हेलो आई हैव कम ऋषि हेलो हेलो अश्विन येस मुन्ना दुबे येस हेलो सो आई एम हेयर मान्य येस सो यू ऑलवर सींग कम फास्ट आई वॉज हेयर ओनली जस्ट सीइंग एवरीथिंग ओके कैसे हूँ मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ बृिंदल इज ऑल्सो देर येस हम लोग आज काफ़ी फास्ट uh, रहने वाले हैं क्योंकि चार बजते बजते तो आप लोग बोलना शुरू करते हैं मैम जल्दी 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 So, आज जल्दी से हम सेशन शुरू करेंगे आज हमारा डायवर्सिटी का लास्ट लेक्चर है हेलो गुड आफ्टरनून होप आप लोग सब अच्छा मिहिर भी आए हैं यहाँ पे थुंग्स तो यानी कि डॉक्टर जो हैं वो हमारे मिहिर फैजल हैं राइट सो मृदुल आई रिमेंबर दैट ऋषि इज आल्सो देर ओके सो ऑलरेडी यहां पे आ चुके हैं हम स्टार्ट करेंगे कमरान ओके okay, आर कमरान ठीक है सो आई रिमेंबर दिस नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विद दिस नेम आई रिमेंबर दिस या कमरान ठीक है सो शेल वी स्टार्ट आज का तो बहुत ही ईजी इजी टॉपिक्स हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी सुन रखे हैं वी नो अबाउट देम और जब भी हम उन एनिमल्स को यस हेलो नैतिक गुड आफ्टरनून कीर्ति गीता सुब्बू हाय सो गुड आफ्टरनून टू एवरी वन थुंग नॉमिक्स इज कमरान कभी वो कमरान हो जाते हैं कभी वो मीर फैजल हो जाते हैं सो लिटिल कंफ्यूजिंग राइट सो ओके सुबू हाई हाय हावे यू आई थिंक यू आर ज्वाइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ओके सो लेट्स सी द वन हु इज ज्वाइनिंग काइंडली ऑप्ट फॉर आर ई करियर पॉइंट ऐप जो कि आप गूगल स्टोर से इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो भी लेक्चर्स जिस भी क्लास का चाहिए आप उसमें से फ्री स्टफ में से ले सकते हैं नाइन्थ हो टेंथ हो इवन इलेवेंथ ट्वेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्ट कर सकते हैं आई एम फाइंड हर्शल आई थिंक यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम येस और इस ई करियर पॉइंट को आप जो एप है इसको आप आराम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपकी काम की मिलने वाली हैं रिलेटेड टू द स्टडीज ठीक है सो आई नो यू ऑल आर टू स्टडीज और अब एन भी आ रहा है सीबीएसई के एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं हाफ ईयरलीज भी पास आ रहे होंगे सो so, इन सब के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म है राइट सो so, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है डायवर्सिटी का ठीक है सो so, आपको ये याद है मैंने डायवर्सिटी चैप्टर में ऑलरेडी किंगडम्स पढ़ा दिए मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा दिया इन डिटेल और अब मैं एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ा रही हूं ऑलरेडी आई हैव कवर्ड मेनी फाइला इन दिस एनिमल किंगडम एंड टूडे आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ माई चैप्टर राइट सो हम लोगों ने लास्ट कौन सा फाइलम किया था देखते हैं किसको याद है हमारे लास्ट सेशन में हमने कौन सा एनिमल किंगडम का फाइलम पढ़ा था लेट सी हू रिमेम्बर्स इट आप में से बहुत सारे थे उस सेशन में और आपको याद होगा कि हमने कौन सा लास्ट फाइलम किया था क्योंकि यस सो वी हैड डन इन द लास्ट टाइम और आज हम करने वाले हैं उसके आगे से यस सो अकाइनोडर्मेटा वाज़ द लास्ट फाइलम विच आई डेल्ट इन द प्रीवियस सेशन और आज हम शुरू कर रहे हैं उसके बाकी के आगे के राइट right? सो so, आगे का हमारा कुछ ज्यादा नहीं बचा है वी आर जस्ट गोइंग टू सी टू फाइलम्स एक है, है हेमी कॉर्डेटा और दूसरा है कॉर्डेटा सो हियर वी हैव टू फाइलम्स लेफ्ट यस नो आई डोंट थिंक सो राइट सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ हेमी कॉर्डेटा राइट सो हेमी कॉर्डेटा ऐसा फाइलम है जो पहले कॉर्डेटा के अंदर आता था राइट right? सो so, यहां पे जो फ़ाइलम है अब ये फ़ाइलम है वी आर इट इन द फॉर्म ऑफ फ़ाइलम ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स कॉर्डेटा हमारे आगे का पोर्शन है नॉन कॉर्डेट्स जो हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा से लेकर अकाइनोडर्मेटा तक अब उसके बाद हेलो कमरान उसके बाद ये जो हेमिकॉर्डेटा था ये पहले इंक्लूडेड था कॉर्डेटा में फिर इसको वहां से हटाया गया और इसको एक नया फाइलम बना दिया गया सो वी हैव अ फाइलम नोन एज हेमिकॉर्डेटा एंड इट हैज द दैरेक्टरिस्टिक्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स ठीक है सो so, यहां पे हम हेमिकॉर्डेटा को पढ़ने वाले हैं राइट सो यहां पे वो सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे बायलैटरल सिमेट्री जो कि हमने देखा था फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथिस टिल नाउ एक्सेप्ट अकाइनोडर्मेटा बायलैटरल सिमेट्री थी सिमेट्री याद होगा व्हेन वी डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू वन प्लेन देन इट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री सो हम हेमिकॉर्डेट्स में, में जो वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी इनको जब हम देखेंगे तो सिमेट्री इनमें है बायलैटरल सिमेट्री आपको याद है हाउ मेनी क्वेश्चन टूडे नाइन आई ब्रॉट नाइन क्वेश्चन टूडे विद रिलेटेड टू द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक टूडे सो लेट्स फिनिश ऑफ दिस फर्स्ट ऑल द टॉपिक्स एंड देन यू हैव यू विल हैव नाइन क्वेश्चन टू अटेम्प्ट Right. Okay, so Adil is here to answer the question. I think most of you join this to answer the question. kuch jante But let's see, let's see. We are going to almost revise all the topic. So take it in the form of revision. ठीक है सर so, यहां पे सिमेट्री क्या हो गई हमारी बाइलैटरल सिमेट्री प्लेटी से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है द लेयर्स एक्टोडर्म मीजोडम एंडोडम हम रिवाइज कर रहे हैं ऑलमोस्ट ठीक है सीलोमेट सीलोमेट क्योंकि ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट अब ट्रू सीलोम कहां से शुरू हुआ कौन से फाइलम से शुरू यस yes. I'm going to take the next mentee on Friday on the chapter tissue. Okay, last time I have said that Friday or Monday. And that too, I'm deciding on the chapter. Decided, I'm going to take a mentee on tissues on Friday. Okay, so I think you must have got that notification. Okay, so now here, silomate, true silom is present. They all are. So true silom starts from Annelida. ठीक है प्लेटी हेलमेंथिस ए सिलोमेट आई एम जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस ऑल्सो सुडोसिलोम एंड फ्रॉम एनिलिडा पूरे एनेलिडा से लेकर अक्काइनोडर्मेटा तक ट्रू सिलोम था और अब यहां से भी हेमिकॉर्डेटा में भी ट्रू सिलोम है और कॉर्डेटा में भी ट्रू सिलोम होगा सो so, ट्रू सिलोम स्टार्ट फ्रॉम एनेलिडा तो ये तीनों कॉमन चीजें हैं हम एन टी एस सी के क्वेश्चन भी कराएंगे सो यू जस्ट वेट एजन आर दीस चैप्टर गेट्स फिनिश्ड ऑफ यू विलिपेरिंग फॉर द एन टी एस सी ऑल्सो सब चीजें होंगी यू विल बी गेटिंग द प्लान आई यूश इट्स ओके ज्यादा कुछ भी नहीं निकला है आई हेव जस्ट स्टार्टेड विथ द टॉपिक सो नो प्रॉब्लम डोंट से सॉरी ये ए सीलोमेट मीन्स द वन हु डज नॉट हैव सीलोम सीलोम इज अ कैविटी विच इज ऑन बोथ द साइड बाई मीजोडर्म तो यहाँ पे ट्रू सिलोम है ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारा शुरू हो चुका था निमेटोडा से तो ऑर्गन सिस्टम लेवल तो ये चार चीजें तो कॉमन हो चुकी हैं अब तक के सारे फाइलम्स में कहा से कौन सा स्टार्ट हुआ ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया ठीक है अब इसको पहले कॉड डेटा में क्यों रखा गया था क्योंकि इसके अंदर एक रॉड जैसी शेप का स्ट्रक्चर था और कॉर्डेट्स में जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दे हैव रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज नोटोकॉड ठीक है तो पहले इसमें भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था और देखा गया था कि ये नोटोकॉड जैसा है तो पहले इसको कॉर्डेटा में रख दिया गया था अज्यूमिंग इट एज नोटो लेकिन फिर बाद में पता चला इट इज सिंपल रॉड अराइजिंग फ्रॉम द बकल कैविटी सो आप यहां देख सकते हैं दिस इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्म और यहां पर यह हमारा हो गया स्टोमो कॉड सो इट वॉज सिमिलर टू नोटोकॉड इसलिए प्रीवियसली हेमी कॉर्डेटा वैप्टन कॉडेटा लेकिन जब यह आइडेंटिफाई हो गया इट्स नॉट अ ट्रू नोटो कॉड इट इज इनफैक्ट अनादर टाइप ऑफ अ रॉड जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉड इसकी वजह से इसको अलग फाइलम में रख दिया गया सो so, हम ये जो पढ़ रहे हैं हेमी कॉर्डेटा ये एक अलग फाइलम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के, के फीचर्स हैं ठीक है ये सारी चीज़ें हमने नॉन कॉर्डेट्स में भी देखी थी इसमें भी है इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड ठीक है सो यहाँ पे ये स्टोमोकॉड हो गया इसके अलावा जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं दे आर वर्म लाइक आप देख सकते हैं दे लुक लाइक अ वर्म एंड वेन यू सी दे बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री जो ऊपर का पोर्शन है उसको प्रोबोसिस उसका है उसको हम कॉलर कहते हैं और जो नीचे का बाकी का पोर्शन है यू कैन सी इट इज ट्रंक यानी कि हेमिकॉर की बॉडी को डिवाइड किया गया है इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक राइट सो ये है अबाउट हेमिकॉर्डेटा दे ऑल्सो रेस्पायर थ्रू द गिल्स वो भी एक है सो हियर द एग्जाम्पल इज बैलनोग्लॉसिस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका ये वाला जरूर लर्न करिएगा सो इट इज अ बेलनोग्लॉसिस बिलोंगिंग टू हेमिकॉर्डेटा ठीक है जेठा जी आए हैं ओके जेठालाल जी भी पढ़ने आए हैं वेरी गुड ठीक है सो आई स्टार्टेड विथ दिस डाइवर्सिटी और हेमिकॉर डेटा हमारा खत्म हो चुका है प्रगति हैज कम हेलो प्रगति सो यस ओके सो वी आर स्टार्टेड विथ डाइवर्सिटी गेस हु आई एम हाउ कैन आई गेस आई कांट गेस बट ठीक है यू कैन टेल मी ओके यू कैन टेल मी लाइक यू कैन टेल मी योर नेम

यहाँ पे एनिमल्स को कौन से एनिमल्स को कॉर्डेटा में रखा है ह्यूज ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन द कॉर्डेटा बहुत सारे देखेंगे हम पाइसेस हैं एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स हैं बर्ड्स हैं एब्स एंड मैमल्स ये सारे इसमें आने वाले हैं कॉर्डेटा में कौन से बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये यस एकॉन वर्म भी कहते हैं टू द बैलनोग्लॉसिस ये अनादर नेम ऑफ बैलनोग्लॉसिस भी इसी में आता है सो so, ये एग्जाम्पल्स में चार मेन फीचर्स होने चाहिए अगर कोई कॉर्डेट ग्रुप में आता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कौन से ऑर्गेनिजम्स को हमने इसमें रखा है राइट सो हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये नर्व कॉर्ड होना चाहिए अब तक हमने ये चीज नहीं देखी यहाँ पे जो कॉर्डेट्स हैं उसमें नर्व कॉर्ड होगी रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम सो यहाँ पे नर्व कॉर्ड है विच विल लेटर ऑन फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन दर्टिब्रेट्स इसके अलावा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा नोटो ियर नोटोकॉड इन आर केस वर्टिब्रेट में नोटोगेट रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रिल कॉलम आपको वर्टिब्रिल कॉलम तो पता है द वन विच इज प्रेजेंट एट द बैक बैक बोन सो यहां पर नोटोकॉड होना प्रेजेंट होना चाहिए अगर कोई ऑर्गेनिजम कोडेट ग्रुप में आते हैं तो नर्व कॉर्ड होना चाहिए Notocord होना चाहिए, गिल स्लिट्स होने चाहिए गिल स्लिट्स होने चाहिए अब अगर यह है कि गिल स्लिट्स होने चाहिए तो सब में गिल स्लिट्स क्यों नहीं दिखते तो यहां पे एक रूल है ऑल दिस शुड बी प्रेजेंट एट सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ ये जो कैरेक्टर्स हम कॉर्डेटा का पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे फीचर्स परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो ये होना चाहिए बट इट मे बी प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज इट कैन बी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज और लेकिन जब एडल्ट हो जाए तो हो सकता है वो डिस हो जाए सो इट इज नॉट नेसेसरी ऑल दिस कैरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ राइट सो यहां पे थ्रू आउट द लाइफ जरूरी नहीं है इसलिए यहां पे ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है एट सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ सो Every organism coming under this scordata will have all these features at certain stage of their life. Yes. Gill slits. Right. Now, the fourth is post anal tail. Anus ke egg tail. राइट right? सो so, ये चार मेन फीचर्स हैं आप इसमें देख सकते हैं ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हमें चारों मेन फीचर्स देखने को मिल रहे हैं नर्व कॉर्ड डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ सो यू कैन सी हियर अ डोर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट दिस इज अ डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऊपर वाले को हम डॉर्सल बोलते हैं नीचे वाले पोर्शन को हम वेंट्रल बोलते हैं राइट right? So, यहां पे अपर पोर्शन में जो है वो है नर्व कॉर्ड इट इज प्रेजेंट ऑन द अबव उसके ठीक नीचे यू हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटो का काम है मसल का अटैचमेंट सो दैट इट कैन हेल्प इन द लोकोमोशन। और ये रॉड लाइक शेप ये ब्लू कलर का जो रॉड लाइक शेप है दिस इज नोटो कॉड सो दीस थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द कॉड गिल्सलेट्स यू कैन सी गिल्सलिट्स दे आर प्रेजेंट दिस इज द थर्ड कैरेक्टर तो पहला हमारा ये हो गया सेकेंड हमारा नोटोकॉर्ड हो गया उसके बाद थर्ड हमारा गिल्सलिट्स हो गया और फोर्थ जो होना चाहिए दैट इज आफ्टर द एनल पोस्ट एनल टेल सो यू कैन सी अ टेल जो ये हाइपोथेटिक फीचर है टिश्यू हैज बीन ऑलरेडी टॉट बाई मी

क्विज़ इज ऑन फ्राइडे 3 पी एम ऑन टिश्यूज टिश्यूज पे ही है क्विज़ एंड इट विल बी ऑन फ्राइडे ठीक है सो मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया सो यहाँ पे चार मेन कैरेक्टरस्टिक्स होना चाहिए एंड दे ऑल विल बिलोंग टू राइट अब तक समझ में आया आपको हम किसकी बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं अब यहां पे यह फ्लो चार्ट यही समझ लेते हैं सो so दैट हम डायरेक्टली क्लासेस पे चले जाए ओके सो में यू कैन हैव इट यू कैन प्रैक्टिस दिस टिश्यू विथ मी ऑन फ्राइडे एट थ्री पी एम ऋषि अंडरस्टूड अब हम फ्लो चार्ट समझते हैं कॉर्डेटा के आगे का और कॉर्डेटा के आगे जो डिविजन है वो कैसे हो रही है जब कॉर्डेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया तो उसके तीन सब फाइलम्स बने कॉर्डेटा इज अ फाइलम और उसके जस्ट नीचे वाला आता है सब फाइलम सब फाइलम यहां पे सब फाइलम तीन है वन टू एंड थ्री यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा पहले इस जगह पे हेमिकॉर्डेटा भी होता था लेकिन अब वो सेपरेट फाइलम हो चुका है सो अब यहां पे तीन सब फाइलम बचे हैं यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉडेटा एंड वर्टिब्रेटा एंड दिस यूरोटा एंड सिफोलोकॉडेटा कैन बी केप्ड अंडर प्रोटोकॉडेट्स तो हम इनको प्रोटोकॉडेट्स कह के भी रेफर कर सकते वी कैन रेफर दम बाय कॉलिंग प्रोटोकॉडेट्स एंड प्रोटोकॉडेट्स इंक्लूड एंड यूरोफेलोकॉडेटा तो ये दो चीज किस में आ गई प्रोटोकॉल डेटा में और जो थर्ड सब फाइलम है वो हो गया हमारा वर्टिब्रेटा अब यहां पे ये डिवीजन कैसे हुआ यस yes, कमरान ने भी समझ लिया आई कैन सी बाई दैट एक्शन मान्या ने भी कर दिया ठीक है जो यूरो और सिफेलो है इसमें नोटोकॉड ही रहेगा ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम एक एक करके देख लेंगे हम यूरोडेटा को भी पढ़ेंगे हम सिफेलो कॉर्डेटा को भी पढ़ेंगे पर इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड ही है लेकिन वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड गेट्स चेंज्ड इनटू टू कॉलम वो रिप्लेस हो जाता है विथ वर्टिब्रिल कॉलम ठीक है सो so, यहां पे वर्टिब्रेटा में वो चेंज है इसलिए नाम आया वर्टिब्रेटा बिकॉज दे ऑल विल हैव वर्टिब्रल कॉलम तो ये तीन डिवीजन हमारे हो गए वर्टिब्रेटा फिर दो ग्रुप में डिवाइड हुआ वर्टिब्रेटा मैं यहीं पे समझा रही हूं आगे जाके मैं नहीं लेने वाली हूं आगे जाके मैं सीधे क्लासेस ले लूंगी दैट्स वाई एम आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर इन द फ्लो चार्ट वर्टिब्रेटा में जो फर्दर डिविजन है वो दो ग्रुप्स में है अब वो किस बेसिस पे है अगर जॉ नहीं है इफ दे डोंट हैव अ जॉ देन दे आर कमिंग अंडर अग्नाथा और उसके सिर्फ एक क्लास है जो हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा तो एक क्लास हम ये पढ़ने वाले हैं ठीक है जो जॉलेस है यहां पे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉज एब्सेंट हैं और वो अग्नाथा ग्रुप में आते हैं और इसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा जो हम पढ़ेंगे राइट और जो दूसरा ग्रुप है उसमें आते हैं सारे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉज हैं सो so दे ऑल विल बेयर जॉज़ अब ये फर्दर डिवाइड हो गए ऑन द बेसिस कि इनके अंदर लोकोमोशन के लिए फिंस हैं या लिम्स हैं अगर फिन्स हैं तो वो आगे पाइस में ऑल द फिश इन द पाइस हैविंग फिंस ठीक है और अगर लिम्स हैं तो टू पेयर ऑफ लिम्स यानी कि टेट्रापोडा सो so, वो सारे आगे दूसरे ग्रुप में सो so, पाइसेस विल हैव फिन्स एंड टेट्रापोडा विल हैव लिम्स हमारे जैसे ये हाथ है फोर लिम्स हमारे लेगस है हाइंड लिम्स लिम्स फॉर लोको मोशन सो यहां पर टेट्रापोडा इज हैविंग ऑल द लिम्स पाइस में फिंस अब पाइस में हम दो क्लास पढ़ने वाले हैं कॉनरिचटाइस और ओस्टाइथस ये दो क्लास हम पढ़ेंगे पाइसेस के और हम चार क्लास पढ़ेंगे टेट्रापोडा के एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स और ममेलिया ममेलिया तो कितने फ़ाइलम्स हो गए हमारे कितने फ़ाइलम्स सॉरी uh, कितने क्लास हम पढ़ने वाले हैं टोटल कितने क्लास पढ़ेंगे वन साइक्लोस्ट्रोमेटा दो दो हम पाइसेस के क्लासेस पढ़ेंगे कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश के ठीक है और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये चार सो so, टोटल हो गए सेवन क्लासेस सेवन क्लासेस एक जॉलेस साइक्लोस्ट्रोमेटा एक विदिन्स This and this. और यहाँ पे ये चार हो गए जो टेट्रापोडा के हैं ठीक है सो टोटल सेवन वी आर गोइंग टू स्टडी यस ऋषि नैतिक एंड मुन्ना ओके सो नाव अब हम डायरेक्ट पढ़ने वाले वी विल नॉट कम बैक टू दिस जो एंड जो लेस हम इस पे नहीं आने वाले हम पाइसेस और टेट्रापोडा पे नहीं आने वाले हम सीधा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सारे के सारे सब फाइलम और क्लासेस हमारा सबसे पहला जो सब फाइलम था वो यूरोकॉर्डेटा था इसमें जो नोटोकॉर्ड है हमने कॉर्डेट्स में एक चीज पढ़ी थी कि दे विल हैव हाँ नर्व कॉर्ड दे विल हैव हाँ नोटोकॉर्ड दे विल हैव हाँ गिल्स लेकिन एट अ सर्टन स्टेज ऑफ देयर लाइफ ठीक है मृदुल आपका आंसर समझ में नहीं आया ठीक है सो so, यहां पे ये जो यूरोटा है इसमें नोटोकॉर्ड होगा लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज पे तो यहां पे ये सिर्फ लार्वल स्टेज पे है और वो भी किसमें यूरोमिन स्टेल सिर्फ उसके टेल पार्ट पे होगा तो जरूरी नहीं है नोटोकॉट पूरी बॉडी में एक्सटेंड हो वो एक पार्ट में भी हो सकता है तो यहां पे सिर्फ वो टेल में प्रेजेंट है कौन सी स्टेज पे लार्वल स्टेज पे और इसलिए इस ग्रुप का नाम है यूरोकॉर्डेटा टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज पे इनको कॉमनली हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं ये है सेल्पा ये है डोलियोलम ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। सो दे लुक लाइक दिस दिस इज सेल्पा एंड डोलियोलम एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा ठीक है हर्डमेनिया भी एग्जाम्पल हो सकता है एसिडिया भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तो ये यहां पे सारे कॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं कॉर्डेटा वेरी गुड इफ यू हैव अंडरस्टूड सिंपल है हम इतना बेसिक भी समझ लेंगे तो हम ये एन में क्लियर कर सकते हैं सो तो ये बेसिक्स मेन है जो हमें लर्न हो जाएंगे तो वी कैन ईजिली ऑप्ट फॉर एन ओके सो सिफेलो कॉर्डेटा और इवन सी में भी ये सिंपल चीजें ही पूछी जाती हैं सिफेलो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहेगा इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ नंबर वन नंबर टू इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टिल द टेल मतलब पूरी बॉडी लेंथ में भी है और थ्रू आउट द लाइफ में भी है सो so, ये क्या है सिफेलो कॉर्डेटा

अब हम सबसे बड़े सब फाइलम में आने वाले हैं जो कि है हमारा वर्टिब्रेटा अब यह नाम क्यों आया क्योंकि यहां पे नोटोकॉर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम ठीक है सो so, यहां पे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इस सब फाइलम में और यहां पे जितने भी होंगे सो हियर सी इट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर अगर शुरू के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है भी तो जब डेवलपमेंट होगी तो वो वर्टिब्रल कॉलम में हो जाएगा चेंज बेसिक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे हार्ट हम जो देखेंगे उसके अंदर चैम्बर्स होंगे हार्ट विद द चैम्बर्स हम वो देखने वाले हैं कि पाइसिस में कितने हैं एव्स में कितने हैं मैमल्स में कितने हैं चैम्बर्स हम देखने वाले हैं सो दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम विथ अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट और हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स हैं वो डिफर होने वाले हैं सब में दे हैव गॉट किडनीज फॉर एक्सक्रीशन जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को मेनटेन करते हैं दिस इज लेंदी बट इजी वन कोल्ड ब्लडेड पे भी हम आने वाले हैं हम यस हेड इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनके अंदर फिंस भी हो सकता है लाइक आई सेड इन दे हैव फिन्स और बाकी पूरा टेट्रापोडा जो होंगे उनमें लिम्स होंगे चाहे हम एम्फीबिया की बात कर रहे हैं रेप्टीलिया की बात कर रहे हैं एव्स की बात कर रहे हैं या मैमल्स की बात कर रहे हैं यस yes. आप एक बार देख लो आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस्ड इन दैट टिश्यू एक दिन मैंने प्लांट्स लिए हैं एंड आई थिंक नहीं, यस आई आई हैव हैव एनिमल्स, इट इन सेक्शंस, सो वंस यू सी दैट अगर ठीक है अदरवाइज वी हैव मेंटी मेंटी वाले दिन बाकी सब चीज समझा दूंगी यस सेक्सेस आर सेपरेट इन ऑल सो so, चिन्मय जो भी आपकी क्वेरी होगी जो भी होगा मेंटी में अगर क्वेश्चन हैं तो देन एंड देयर आई एल एक्सप्लेन वंस अगेन आई एल सेलेक्ट द क्वेश्चन इन सच अ वे हर पोर्शन उसमें कवर हो एंड देन एंड देयर आई एल एक्सप्लेन यू अगेन सो मैंने टिश्यूज दो तीन पार्ट्स में लिए हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज करके मैंने दो तीन सेगमेंट्स में लिए हैं चिन्मय ठीक है सो so, अब हम बढ़ते हैं क्योंकि वर्टिब्रेटा में बहुत सारी क्लासेस हैं जो हमें पढ़नी है फर्स्ट यू सी दैट अगर आपको समझ में आता है ठीक है अदरवाइज ऑन में थिंग्स जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे इंफॉर्मेशन राइट और अगर लगेगा कभी रिकेप लेना है टिश्यू का तो वो भी कर लेंगे सो वी विल डू दैट नो प्रॉब्लम ओके ओके सो वी आर नाउ कमिंग ऑन टू द्लासेस अग्ना था विदाउट जॉज तो ये जो हमारी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा इनमें जॉज नहीं होंगे द जॉज विल बी एबजेंट इन दिस क्लास ये एक सेपरेट क्लास है नाथा के अंडर आता है वेयर द जॉज आर एब्सेंट यहां पे दे विल लुक लाइक फिश बट दे डोंट हैव अ पेयर्ड फिंस उनके अंदर फिंस हैं बट वो सिंगल हैं पेयर्ड में नहीं है उसके अलावा ये एक एक्टो तो पैरासाइट है वॉट डू यू मीन बाई पैरासाइट्स वट डू यू मीन बाई पैरासाइट आपको पता है पैरासाइट क्या होते हैं जो दूसरी की बॉडी से न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं और एक्टो मतलब जो बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ एंडोमीन्स इनसाइड एक्टोमीन्स आउटसाइड सो यहां पर ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ये दूसरी फिशेज की बॉडी के ऊपर स्टिक करके वहां से न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं तो दे आर एक्टो पैरासाइट्स and they have a sucking mouth, sucking mouth hai that that's the reason why they stick to the body of other fishes and draw the nutrition. aur yahan pe main already bataya hai without jaws, इनके अंदर scales भी नहीं होती और paired fins भी नहीं होते, so they don't have paired fins. हम fishes में देखेंगे दोनों तरफ fins होती हैं paired, लेकिन इनमें single fin होगी यहाँ पे कोई स्केल नहीं होगा जबकि हम फिशेज जो पाइसेस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे दे विल हैव स्केल्स सो दो दे लुक लाइक दिस सो वी हैव टू ओवर हियर लैम्प्रे एंड हैकफिश ठीक है पेट्रोमाइजन भी बोल सकते हैं मिक्सिन भी बोल सकते हैं लेम्प्रे एंड हैकफिश आर द टू कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू साइक्लोस्टोमेटा सो वी हैव लैम्प्रेज एंड हैकफिश बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप ठीक है सो so, ये दो ऑर्गेनिज्म uh, हैं जो इस साइक्लोसोमेटा uh, से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वर्टिब्रल कॉलम है क्योंकि दे बिलोंग टू वर्टिब्रेटा वो कार्टिलेजिनस है हमने टिश्यूज में पढ़ा था बोन्स एंड कार्टिलेज ठीक है लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा वो तो एनेलिडा में आते हैं लीचेस uh, और अर्थवर्म्स ये सारी चीजें हिडिन एरिया बोलते हैं लीचेस को सो लीच अथवम नेरस ये सब एनिलिडा में आते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स नॉन कॉर्डेट्स में ठीक है so, सो लीचेस तो अलग हो गए ब्लड सकर भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सो so, यहां पे दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स तो ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जॉलेस हैं एक्टोपैरासाइट्स हैं और यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है और ये सारा कार्टिलेजिनस है कार्टिलेजिन कार्टिलेज मस्ट मोर सॉफ्टर एज कंपेयर टू द बोन्स हमने ये टिश्यूज में पढ़ रखा है राइट दैट वी हैव टीचर फॉर एस एस टी एज वेल एंड ही विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर एस एस टी राइट हाँ हमने बोन और कार्टिलेज टिश्यूज में पढ़ रखा है एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज में ठीक है सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास कॉन्ड्रिजाइस यहां पे हम बात कर रहे हैं फिशेस जो पाइसेस ग्रुप है जो सुपर क्लास पाइसेस उसको दो ग्रुप में बांटा गया है कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश किसका कैसा एंडोस्केलेटन है कौन सा कार्टिलेज का बना है कौन सा बोन का ज्यादातर बना है सो so, हमारे पास दो ग्रुप हो गए कॉन्ड्रेस्थस एंड ऑस्टाइक्स तो ये जो है ये कार्टिलेजिनस फिश को इंक्लूड करते हैं सो so, इस ग्रुप में कौन सी फिशेज आने वाली हैं कार्टिलेज वाली यहां पे कार्टिलेज है सब फिशेज में स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी ठीक है स्केल्स होंगे फिंस होंगी टेल होगा फॉर मूवमेंट ये जनरल मैं पहले ही बता देती हूँ चाहे मैं कॉन्ड्राइक्स की बात कर रही हूँ ऑस्ट्राइक्थर्स की बात कर रही हूँ स्केल्स विल बी प्रेजेंट इन बोथ फिंस एंड टेल्स विल बी प्रेजेंट इन बोथ यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस फिश है सो ऑल द एंडोस्केलेटन इज मेडअप ऑफ कार्टिलेज स्ट्रीमलाइन बॉडी दोनों में होगी लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कार्टिलेजनस फिश है और ये बोनी फिश है आप आइडेंटिफाई यस यू विल आइडेंटिफाई देम बाय द पोजीशन ऑफ द माउथ माउथ इज वेंट्रल इन कार्टिलेजनस फिश वेरी गुड एंड हियर यस, द नंबर ऑफ गिल्स विल बी डिफरेंट गिल्स किस काम आते हैं वट इज द रोल ऑफ गिल्स इन द फिशेज टेल मी द रोल ऑफ गिल्स गिल्स का क्या काम है फिशेज में आप जब तक आंसर करिए मैं आगे के पॉइंट्स बता देती हूँ सो so, यहाँ पे आगे के पॉइंट्स बताऊंगी तो मुझे गिल्स के बारे में भी बताना पड़ेगा सो so, फटाफट से रिप्लाई करिए गिल्स का रेस्पिशन वेरी गुड सिंस फिशेज लिव्स इन वॉटर दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोन एज गिल्स और इनमें जो गिल्स हैं वो कवर्ड नहीं होती बोनी फिश में हम जब देखेंगे जो गिल स्लिट्स हैं वो कवर्ड होती हैं आप स्लिट्स नहीं देख पाते इनमें वो गिल स्लिट्स यहां पे कवर्ड नहीं है सो हियर गिल्स आर नॉट कवर्ड और उस कवरिंग को हम ओपरकुलम कहते हैं सो हियर इन कार्टिलेजनस फिश ओपरकुलम इज एब यू कैन क्लियरली सी द स्लिट्स शार्क्स आर द एग्जाम्पल शार्क्स में आप देखेंगे साइड में स्लिट्स देख सकते हैं सो तो शार्क्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजनस फिश यस गिल्स आर नेकेड मीन्स नॉट कवर्ड अब हम हार्ट की बात करते हैं हार्ट में कितने चैम्बर होंगे दो एक ऊपर वाला हम चैम्बर्स के नाम बोलते हैं ऊपर वाले चैम्बर्स को हम ऑरिकल और नीचे वालों को हम वेंट्रिकल कहते हैं सो तो इनमें दो चैंबर हैं एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल ठीक है दे आर कोल्ड ब्लडेड वॉट डू यू मीन बाई कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड का मतलब है दो कैटेगरीज होंगे वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड हम वार्म ब्लडेड हैं एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड क्या डिफरेंस है इन आर केस द बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज अगर मेरा 37. सेवन पॉइंट समथिंग सेंटीग्रेड है तो मेरी बॉडी टेम्परेचर वही रहेगी विंटर्स में भी चाहे बाहर 23 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 50 डिग्री हो लेकिन माय बॉडी टेम्परेचर विल रिमेन सेम सो मेरी बॉडी के टेम्परेचर कांस्टेंट एंड इट विल नॉट चेंज विद द एनवायरनमेंट मैं वार्म ब्लडेड हूं ये कोल्ड ब्लडेड है इसलिए नहीं कि इनका ब्लड कोल्ड है बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरमेंट सो यहां पे दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी कोल्ड ब्लडेड ठीक है इनमें एक और स्ट्रक्चर एब्सेंट है मैंने एब्सेंट क्यों लिखा ताकि जब हम कंपेयर करें कार्टिलेजिनस विद बोनी तो ईजिली डिफ्रेंशिएट हम कर पाए ठीक है एक सेक्लाइक स्ट्रक्चर -like होता है जिसको हम एयर ब्लैडर बोलते हैं जो कि हम बोनी फिश में देखेंगे एंड इट इज फिल्ड विथ एयर और ये बॉडी को लाइट बना देता है सो दैट द बॉडी कैन ईजिली स्विम इनमें लेकिन वो एब्सेंट है सो दिस अस्पेशल स्ट्रक्चर एयर ब्लैडर इज ऑल्सो एब्जेंट इन द केस ऑफ कार्टिलेजनस फिश यस सो देर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस यस ठीक है ह्यूमन में फोर चैम्बर्ड हार्ट है अभी हम ह्यूमस में आएंगे मैमल्स में आएंगे हमारे अंदर फोर चैंबर है दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल ठीक है इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है इनमें इंटरनल है बोनी फिश में एक्सटर्नल होगा और इनमें दो पाइसेस ले एग्स सारी पाइसेस एग्स ले करती हैं लेकिन इस ग्रुप में ऐसे भी फिशेज हैं जो वीवी पैरस हैं द वन लेज एग हम वर्ड यूज करते हैं ओवी पैरस द वन लेज एग एग ले राइट और हम वीवी पैरस कब यूज करते हैं जब पैरिस द वन हु गि यंग बर्थ टू यंग वो इस ग्रुप में मोस्टली वी वीवी पेरिस हैं और बहुत ही कम ओवी पैरिस है हियर द एग्जाम्पल इज एज आई सेट शार्क कम्स अंडर दिस और यहां पर है टॉर्पिडो स्कॉलियोडॉन और ट्राइगन

राइट right? सो so, अब हम आते हैं कॉन्ड्रैक्स में कॉन्ड्रैक्स हमारा हो चुका है ऑस्ट्रैक्स में आते हैं सिर्फ हम वो मेन फीचर ले लेते ले हैं जो इसको कार्टिलेजनस फिश से डिफर करता है सबसे पहला इट इंक्लूड्स बोनी फिशेस ठीक है सबसे पहला एंडोस्केलेटन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बोन्स लिटिल लेस ऑफ कार्टिलेज स्ट्रीमलाइन बॉडी सेम है यहां पे जो माउथ आ गया टिप पे It has on the tip terminal. So here the mouth is on the tip, जबकि जब हमने कॉन्ट्रेक्टर्स पढ़ा था उसमें ventral था राइट जबकि यहां पे इट्स ऑन द टिप ये एक डिफरेंस है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोनी फिश को इससे स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोथ टेल्स एंड fins आर प्रेजेंट इन बोथ अब जो मेन फंक्शन है यहां गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय अ कवरिंग नोन एज ओपरकुलम विल बी कवरिंग द स्लिट्स ठीक है so, सो यहां पे यस चोरपीडो तो इज दैट यस यहां पे गिल्स का नंबर कम हो जाता है गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम हार्ट इज अगेन टू चैम्बर्ड कोल्ड ब्लडेड ये सारा चीज बाकी सेम है लेकिन जो एयर ब्लैडर है मैंने कहा था एक अलग सा ऑर्गन है जिसमें एयर फिल्ड होती है एंड इट गिव्स द बायंसी टू द फिशेज फॉर इजी स्विमिंग तो एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन देम आई विल शो यू द इन द डायग्राम द एयर ब्लैडर एंड द ओपरकुलम अभी मैं डायग्राम में दिखा दूंगी आपको राइट ध्रुव हैजॉइन नाउ हेलो अब यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है एंड हियर दे आर ओवी पैरस सो दे आर मेनली पैरस रोहू ऑल सी हॉर्स दीज आर द एग्जांपल्स तो हम पहले देख लेते हैं दिस इज द एयर ब्लैडर कैन सी एन एयर ब्लैडर ठीक है और यहां पे आपको गिल स्लिट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि आपको ये कवरिंग दिख रही है दिस कवरिंग इज ओपरकुलम सो दिस ओपरकुलम इज कवरिंग द गिलिट्स और यहां पे आपको दिख रहा है एयर ब्लैडर विच हेल्प देम टू स्विम ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं सी हॉर्स हो गया हमारा uh, कटला हो गया रोहू हो गया दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आर ऑस्टाइक्स यानी कि बोनी फिशेज एंड यू कैन सी द माउथ विल बी एट द टर्मिनल और द टिप ठीक है अब हम आते हैं फ्लाइंग फिश इज यस राइट सो so, यहां पे हमारा हो गया पाइसेस खत्म अब हम आते हैं एम्फीबियंस में आप देखेंगे एवोल्यूशन में यहाँ पे भी चेंज है वाटर से लेकर हम लैंड तक जा रहे हैं जैसे प्लांट्स में हमने देखा था वैसे हम यहां देख रहे हैं पाइसेस टोटली वाटर एम्फीबियंस बोथ लैंड एंड वाटर तभी तो नाम पड़ा एम्फी मीन्स बोथ वो दोनों लैंड और वाटर पे रह सकते हैं Here they don't have scales. So they don't have scales. Their skin is moist Q because they have a mucus gland which mucus secrete. Why the skin should be moist? Because they do the respiration with the help of skin. फ्रॉग में खास बात है उनके अंदर गिल्स भी होता है जब वो लार्वल टेटपोल स्टेज पे होते हैं पानी के अंदर होते हैं तो गिल्स भी प्रेस्परेशन के लिए प्रेजेंट होता है जब वो एडल्ट स्टेज पे जाते हैं तो वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं अर्थवम की तरह और उसके अलावा दे ऑल्सो हैव हाँ लंग्स तो उनके पास स्किन भी है उनके पास लंग्स भी है सो दे कैन सर्वाइव ऑन द लैंड दे कैन सर्वाइव इन द वॉटर बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन सो दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर दे ले एग्स इन द वॉटर जो एक जिलेटिनस फॉर्म होगा सो हियर द एग्स आर जिलेटिनस ज नो हार्ड कवरिंग ऑन द एग्स सो जिलेटिन एग्स है मॉइस्ट स्किन है इनके अंदर होते हैं म्यूकस ग्लैंड राइट आप सोच सकते हैं फ्रॉग्स को फ्रॉग्स आते एग्जाम्पल्स आप फ्रॉग को सोच के ये सारे कैरेक्टर्स रिलेट कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आई थिंक यू हैव मेड फ्रॉग ओवर देयर ऋषी राइट सो यहाँ पे मोस्टली द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड एंड ट्रंक यूजली द नेक इज एबजेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस टेल्स भी कुछ में हो सकती है कुछ में नहीं सो इन मोस्ट ऑफ द केसेज द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड एंड ट्रंक यहां पर अ पेयर ऑफ लिम्स है राइट इन सर्टन केसेज एबजेंट ओनली इन सर्टन लेस नंबर्स बट मोस्टली देर इज टू पेयर ऑफ लिम्स ये अब यहां पर जैसे मैंने रेस्पिरेशन ऑलरेडी बता दिया दे हैव गिल्स

और इसमें दो ऑरिकल यस बको फेरेंजियल कैविटी माउथ के अंदर की जो कैविटी की लाइनिंग है उससे भी रेस्पिरेशन हो सकता है सो दे हैव अ वेरियस पार्ट्स विच इज हेल्पिंग इन द रेस्पिरेशन बकल कैविटी के यहाँ पे और फेरिंग्स के वहां पे जो लाइनिंग है इट इज नोन एज फेरेंजियल एंड कैविटी और उसकी जो लाइनिंग के थ्रू इजली डिफ्यूजन से गैसेज एक्सचेंज हो सकती हैं ठीक है सो so, यहाँ पे ये भी कोल्ड ब्लडेड है लेकिन चैम्बर कितना आ गया थ्री टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल और इसके एग्जाम्पल्स है फ्रॉग्स टोड्स सैलामेंडर्स तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है ये हो गया हमारा सैलामेंडर लुक्स लाइक अ लीजर्ट बट डज नॉट बिलोंग टू दैट लीजर्ट कम्स इन द रेप्टाइल ग्रुप ये हमारा फ्रॉग है टोड्स है न्यूवस्ट है यहां पर आप देखिए लिम्स आर एब्सेंट इन दिसलियन सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ प्रेजेंट टू ऑफ लिम्स ठीक है सो so, ये हमारा हो गया एम्फीबियस अब हम आते हैं रेप्टीलिया में अब प्रोग्रेस देखते जाना टूवर्ड्स द लैंड नाम रेप्टीलिया क्यों आया नाम रेप्टीलिया इसलिए आया क्योंकि दे क्रीप एंड क्रॉल उससे इनका नाम आया है रेप्टीलिया सो वी शुड नो द नेम ऑल्सो एम्फीबिया मीन दन विच लिवस ऑन बोथ लैंड एंड वॉटर तो एम्फीबिया वर्ड आ गया

So, ये क्यों है बिकॉज मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स एम फीबीआई कंपेयर विथ रेपीलिया तो यहां पर कंपेरिजन में ये सारे पॉइंट आप डिफरेंस में लिख सकते हैं यू कैन ऑलवेज राइट इन द डिफरेंसेस ठीक है हियर द लिम्स इफ दे आर प्रेजेंट अगेन देर आर टू पेयर ऑफ लिम्स क्रोकोडाइल में देखिए आगे के दो पीछे के दो टॉर्टीज में देखिए आगे के दो पीछे के दो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब तो यहाँ पे पेयर्स में है लिजर्स में देख सकते हैं इफ प्रेजेंट क्यों लिखा क्योंकि स्नेक में लिम्स आर एबजेंट इसलिए लिखा गया है राइट रेप्टिल अगेन कोल्ड ब्लडेड और यहां पर जो हार्ट का चैम्बर है तीन है दे हैव अगेन टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल थोड़ा सा पार्शली डिवाइडिंग सो दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट बट एंड एक्सेप्शन इज देअर एन एक्सेप्शन इज देअर दे हैव क्रोकोडाइल विच हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे फोर चैम्बर्ड हार्ट आ गया दे आर कोल्ड ब्लडेड यस ऋषि यू आर राइट देर रेस्पायर थ्रू द लंग्स क्योंकि लैंड पे आने लग गए जब तक पानी में है हम गिल्स की बात करें जैसे जैसे हम लैंड में आ रहे हैं ऑटोमेटिकली हमें याद होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट लंग्स ठीक है सो so, इनमें लंग्स आ गए अभी तक हम कोल्ड ब्लडेड में चल रहे हैं पाइसेस कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड रेप्टीलिया कोल्ड ब्लडेड पाइसेस में दो चैंबर एम्फीबिया में तीन चैम्बर रेप्टाइल्स में तीन चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल आने वाला फाइव फाइव टेन मिनट्स में आने वाले है क्वेश्चन यस हाउ इट इज इट इज वेयर इट इज लेइंग इट्स एग सोचो पहले इट लेज इट्स एग्स ऑन द सी शोर स है दे हैव अ कवरिंग के कॉन्टेक्स में बता रही हूँ आपको इन द वॉटर द स्नाउट इज अब पानी में अंदर नहीं रहता इट इट्स नोस्ट्रल्स आर अब इट टेक्स द एयर फ्रॉम द एटमोसफियर सो यहाँ टोर्टेज में लंग्स है सारे कैरेक्टर्स रेप्टाइल के बिलोंग करते हैं उसमें It lays its eggs on the land. It has an egg. It is not gelatinous. It is having a covering, shelled covering. Or third, skin कैसी है? Dry है. जबकि amphibian का क्या character था? Skin कैसी थी? Moist थी. Scales absent थे. तो tortoise में सारे characters तो आपको reptiles के मिल रहे हैं. But and tortoise mostly prefers to be more on land, very less in water. Wo water may move kar sakte hain, right? But all the features are helping them to be on the land. I hope it is clear now. Okay, so we have snakes, crocodiles, turtles, all this. आर कमिंग अंडर द रेप्टीलिया ग्रुप्स तो टोर्टिज हो गए कैमिलियंस हो गए गिंको, लिजर्ड हो गया यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं अंडरस्टूड हो गया तो आई एम मूविंग अहेड विद द एव्स एव्स में आप सारे बर्ड्स को रख लीजिए सारे बर्ड्स के अंदर जो फीचर्स हम देखते हैं हम उसको समझने वाले हैं ठीक है सो दे आर वॉर्म ब्लडेड आप सडन चेंज आ गया अब तक क्या था कोल्ड ब्लडेड अब क्या आ गया वॉर्म ब्लडेड क्यों वार्म ब्लडेड आप देखेंगे यहां पे चैम्बर भी चेंज हो गए फोर चैम्बर्ड बर्ड कीप्स ऑन मूविंग दे नीड मोर एनर्जी तो यहाँ पे दे आर वॉर्म ब्लडेड उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करनी है और यहाँ पे चैम्बर्स भी इंक्रीज होकर फोर हो चुके हैं ताकि अच्छी सप्लाई हो सके देर विल बी नो बिक सिंग ऑफ ब्लड प्योर ब्लड जाए ऑक्सीजन शुड रीच टू द सेल सो दैट दे हैव गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे वॉर्म ब्लडेड आ गए बर्ड्स फोर चैंबर्ड हार्ट हो गया लंग्स हैं फॉर ब्रीदिंग दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग इनफैक्ट लंग्स के पास कुछ एयर सैक भी प्रेजेंट हैं जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बिकॉज दे कीप ऑन फ्लाइंग एंड दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी और एनर्जी किससे मिलती है जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है सो ऑक्सीजन इज मोर रिक्वायर्ड तो यहाँ पे लंग्स के साथ कुछ एयर सैक भी होते हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल एयर को रखते हैं फॉर अ गुड रेस्पिरेशन प्रोसेस इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे अब तक टू पेयर ऑफ लिम्स चल रहे थे इनमें क्या हुआ आगे के जो फोर लिम्स हैं इट गॉट मॉडिफाइड जो फोर लिम्स हैं आगे वाले वो मॉडिफाई हो गए विंग्स में तो उनमें सिर्फ आप दो लेग्स देखेंगे जो कि हाइंड लिम्स हैं पीछे वाले सो दे हैव अ पेयर ऑफ लेग्स लेकिन उनका जो फोर लिम्स है इट इज मॉडिफाइड इन टू विंग्स द विंग्स आर देयर सो दैट दे कैन फ्लाई ठीक है सो यहां पर देयर बॉडी इज कवर्ड विद द फेदर्स जो कि दिख रहा है द माउथ हैज गॉट द बीक सो हियर दे हैव बीक ऑल्सो सो हियर जॉज आर मॉडिफाइड इन टू बीक्स दे हैव बोन्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं इसको

ठीक है बॉडी इज कवर्ड बाई फेदर्स एंड दे ऑल्सो ले एग यानी कि ये भी ओवी पेरस है एंड हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स बर्ड्स में मुझे वैसे एग्जाम्पल्स नहीं देना यू नो अबाउट द बर्ड सो यू कैन सी सो मेनी वेराइटीज ऑफ बर्ड इसमें कुछ क्रो ऑल्सो कम्स अंडर दिस यस यहाँ पे कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं कीवी

ठीक है अब हम सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आ गए हैं ममेलिया जिसमें हम खुद भी आते हैं वी ऑल बिलोंग टू दिस ग्रुप ममेलिया नाम ममेलिया क्यों आया बिकॉज इन दिस ग्रुप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड नाइन क्वेश्चंस आई हैव ऋषि आई कुड नॉट ब्रिंग हंड्रेड और टू हंड्रेड आई एम सॉरी बट आई कुड समहाउ अरेंज नाइन क्वेश्चंस फॉर यू ऑल ठीक है सो होपफुली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल करेक्टली क्योंकि आज का टॉपिक तो बहुत इजी है राइट आई थिंक सो इट्स इजी ठीक है सो यहां मेमरी ग्लैंस है एंड दिस मेमरी ग्लैंस आर यूज टू फीड द यंग वंस क्योंकि मैमल्स में ओवी पैरस नहीं वीवी पैरस होते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर वीवी पैरस हु गिव वन्स ठीक है सो यहाँ पे द मेमरी ग्लैंड यूज टू फीड द यंग दे आर ऑल्सो ब्लडेड लंग्स भी है हार्ट कैसे हैं फोर चैम्बर्स सेम एज एव्स लेकिन स्पेशलिटी क्या है ममेलिया की मेमरी ग्लैंड के अलावा ऑन द बॉडी वी हैव हेयर सो हेयर इज प्रेजेंट जबकि एव्स में फेदर्स था बाकियों में स्केल्स था यहाँ पे हेयर है उसके अलावा इवन द स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द स्किन स्वेट ग्लैंड आप स्वेट करते हैं ऑयल दिखता है ऑयल ग्लैंड सो दीज आर दैरक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स विच इज एबेंट इन अदर क्लासेस उसके अलावा एक्सटर्नल पिन्ना एक्सटर्नल पिन्ना इज अगेन सीन ओनली इन द केस ऑफ मैमल्स मैमल्स में ही ये एक्सटर्नल पिन्ना दिखता है द वन विच कलेक्ट्स द साउंड आईज आर प्रोवाइडेड विद द आईलेट्स येस मूवेबल आईलेट्स हैं दे गिव बर्थ टू यंग व लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है मोनोट्रीम्स बोलते हैं मोनोट्रीमेटा ग्रुप में आता है और वो एग्स ले करते हैं एंड वी हैव टू एग्जांपल्स फॉर देम इकिडना एंड प्लेटिपस ठीक है एंड स्पाइनी एंड ईटर ये है डक बिल्ड प्लेटिपस इकिडना स्पाइनी एंटीटर ये सारे वो मैमल्स हैं जो एग्स को लेकर यह एग्जाम्पल इसलिए याद करिए क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द मैमल्स हु लेज एग क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीज है अदरवाइज ऑल द मैमल्स गिव राइस टू यंग वो की है वी आर टॉकिंग अबाउट वी वी पैरिस सो दे आर मोस्टली वी वी पैरस बट समेम आर ओवी पैरिस एग्जाम्पल जरूर लर्न करिएगा यहां पर जो वीवी पैरिस है इसमें भी दो ग्रुप्स होते हैं एक है जो नरिशमेंट देता है विथ द हेल्प ऑफ पाउच आपने सुना होगा कैंगरू को देखा है वो अपने जो यंग वंस को पाउच में रख के नरिशमेंट वहां देता है सो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मार्सोपियल्स वो पाउच को हम मार्सोपियम बोलते हैं और उस एनिमल को हम मार्सोपियल एनिमल्स बोलते हैं सो so वो है तो वीवी पैरस लेकिन वहां नरिशमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ पाउच और वो ऑर्गेनिजम्स आपको मोस्टली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी जगहों में दिखेंगे और बाकी ज्यादातर मैमल्स जो वीवी पैरस हैं उनमें है प्लासेंटा और उस ग्रुप को हम प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म कहते हैं ठीक है सो वी हैव हैव प्लासेंटिल्स प्लासेंटा इज द लाइनिंग प्रेजेंट इन दूट्रस ऑफ द फीमेल जो कि नरिशमेंट देता है यंग वंस को तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्लासेंटा से मिल रहा है तो उस ग्रुप ऑफ एनिमल को हमने प्लासेंटल बोला और जिसमें नरिशमेंट मिल रहा है पाउच के अंदर वो है मार्सोपियल्स यस सो वी हैव मार्सोपियल्स वी हैव प्लासेंटल मैमल्स द वन हु गिव बर्थ टू कैंग के अलावा यू हैव ओपोजम ओपोजम भी एक एग्जाम्पल है जो कि पाउच ऑर्गेनिज्म है राइट एग लेंग मैमल इकिडना प्लेटिपस ज्यादा नहीं है इस ग्रुप के और स्पाइनी एंट ईटर इसमें ज़्यादा नहीं आते क्योंकि मोस्टली एवरी मैमल इज वी वी पैरस ये एक बहुत छोटे से uh, तीन चार एनिमल्स का ग्रुप है जो कि मोनोट्रीमेटा ग्रुप में आता है द वन हु लेज एग्स और ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए मैमल्स के यू कैन जस्ट सी मार्सोपियल हियर इवन क्वला एंड ऑल सो यू कैन सी हियर सो मैनी मैमल्स आर प्रेजेंट सो आई हैव डन ऑल द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा मैंने दो सब फाइलम भी ले लिए थे यूरोडेटा और सिफेलो कॉर्डेटा और मैंने एक हेमिकॉर्डेटा फाइलम भी पढ़ा दिया सो आई हेव डन हेमिकॉर्डेटा आई हेव डन कॉर्डेटा और उसके अंदर के भी तीनों सब फाइलम्स मैंने डील कर लिए और वर्टिब्रेटा के अंदर के सारी क्लासेस भी सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन ऑलरेडी वन क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी

वेरी करेक्ट मैं बाकियों का इंतजार करूं मन्नत गेमर भी आ गए हैं आंसर करने ठीक है ऋषि मान्या कीर्ति मुन्ना एवरी वन हैज गिवन द आंसर आशुतोष ने भी दे दिया सो द आंसर इज डी सो आई एम मूविंग ऑन 100% श्योर डी sure हा मैंने डाउट क्रिएट किया था क्योंकि दो क्लासेस ऐसी हैं जिनमें थ्री चेंबरड है एक एम्फीबियन और एक रेप्टाइल्स ठीक है so, सो यहाँ पे नैटिक ने कह दिया 100% तो हम मानना ही पड़ेगा ठीक so, है सो अब हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे इट्स ऑन द बोर्ड सेकंड क्वेश्चन द रेप्टाइल विद अ फोर चेंबरड हार्ट रेप्टाइल्स में तो थ्री चेंबर होता है बट ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैंबर्ड होते हैं ओ माय गॉड कीर्ति हैज गिवन द आंसर मान्या नैतिक और क्या कर रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ओके रिपीटेडली ए लेकिन वही दो तीन आशुतोष ने अब आंसर दिया है मुन्ना ने अब आंसर दिया है ऋषि हैज गिवन द आंसर और बाकी सबने आंसर दे दिया सो यस हियर करेक्ट द आंसर इज क्रोकोडाइल सो हियर द आंसर इज क्रोक्रोडाइल करेक्ट सो हियर आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्गन मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट इन द बर्ड इज कौन सा ऐसा ऑर्गन है बर्ड में जो मॉडिफाई हुआ है सो दैट दे कैन फ्लाई वेरी इजी नो यस yes, कीर्ति ने फिर से आंसर दे दिया और यहाँ पे मान्या का भी आंसर आ चुका है नैतिक का आ गया फटाफट फड़ से आंसर दीजिए लेकिन नैतिक का यशिका ने आंसर दिया है आप सोचिए बीक हेल्प करेगी आपको उड़ने में या कोई और चीज आपको हेल्प करेगी उड़ने में आप उड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करिए मॉडिफिकेशन तो है ठीक है जो का भी है सबका है यस yes, Here the four limbs has been modified into Wings wings help the birds to fly aur और वो kiska किसका hai है वो है hamare हमारे four limbs ka का right? गौतम जी भी आ गए आंसर करने आशुतोष ने कर दिया यशिका ने आंसर कर दिया हियर द आंसर रिज सी वेरी करेक्ट सो आई एम नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ द एग लेंग मैमल्स एग लेइंग मैमल्स अभी हमने पढ़ा है बहुत ही कम एग्जाम्पल्स हैं इसके ठीक है जो आपको याद करना चाहिए था डन ऋषि ने भी डन क्या आप देखते हैं दूसरे वाले के लिए मान्या का आंसर आ चुका है जीवन का आ चुका है कीर्ति नैतिक Yes. यस पे आई कैन सी मुन्ना यस yes. देवना यस आई कैन सी द आंसर्स ओम प्रकाश जी नए ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग प्लीज हमारा ई करियर पॉइंट ऐप और हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए यूट्यूब का ओके सो आई कैन सी आंसर इज बी आर यू श्योर यस हियर द आंसर इज प्लेटिपस वेरी करेक्ट सो हियर द आंसर इज प्लेटिपस यहां पे दे आर द एक्सेप्शनल वायमल्स और इकिडना जरूर याद रखिएगा एंटीटर ये जरूर याद रखिएगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स बिलोंगिंग टू द क्लास इनमें से कौन से वार्म ब्लडेड हैं कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड सोच के बताइए ऋषि का भी डन हो चुका है पक्का पक्का हो चुका है सो so, अब कीर्ति का आंसर इतने फास्ट आई थिंक कीर्ति एंड मान्या रियली वेरी फास्ट अब तो ऋषि नैतिक सबके आंसर्स आ गए वेरी गुड गौतम ने आंसर दे दिया यस yes. आशुतोष का आंसर आ चुका है जीवन का आंसर आई कीप वेटिंग आपके सबके आंसर्स आ जाए देन आई विल शो यू द आंसर डाउट ही नहीं होता आप लोगों के आंसर इतने करेक्ट होते हैं कि डाउट ही नहीं होता पाइसेस कोल्ड ब्लडेड एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड रेप्टीलिया कोल्ड ब्लडेड एव्स वार्म ब्लडेड एव्स कहीं नहीं है बचा ममेलिया सो हियर द करेक्ट आंसर यस यशिका द करेक्ट आंसर इज ममेलिया सो यहां पे मैमल्स एंड एव्स दो ही वार्म ब्लडेड हैं बाकी सब हैं

देख लीजिए बहुत इजी है इसमें शायद डाउट ही नहीं है अनडाउटेबली आशुतोष सोच के दीजिए यहां पे सोच के दीजिए किसमें स्किन और लंग्स दोनों हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन में यहां पे मान्या गौतम आयुष यहां पे ठीक है सब सही है लेट्स मूव ऑन इट्स फ्रॉग करेक्ट सो यहां पे आंसर हमारा आ गया फ्रॉग राइट सो हियर आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष जी का भी सही आ गया है गौतम का ऋषि आई कैन सी द आंसर करेक्टली गिवन सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डॉर्सल नर्व कॉर्ड और पेयर गिल गिल्सलेट्स ये किसके कैरेक्टर्स हैं ये किसके कैरेक्टर्स हैं क्या ये आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स है अकाइनोडरमेटा के या पोरी के बताइए 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 या फिर

ठीक है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगी आज ना हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा ना काइनो पढ़ा ना पोरीफेरा पढ़ा सो so, ठीक है लेकिन ये तीन कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं हम नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड गिल्सलेट्स और पोस्ट एनल टेल की बात करते हैं मूविंग ऑन टू द लास्ट बट वन क्वेश्चन ये हमारा लास्ट बट वन है ऋषि का भी डन हो चुका है सो so मेरा भी डन हो चुका है जैसे ही आपका डन आता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला देती हूँ यहाँ पे ऋषि राइट right? सेलमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास ये सैलमेंडर ओ माई गॉड सैलमेंडर सोच के चलिए कि किस इज़ में थ्री पी एम एंड टिश्यूज आर द चैप्टर आई हैव सेलेक्टेड सोच के चलिए सैलमेंडर यहां कुछ कंफ्यूजन है यस सैलमेंडर आप भूल गए अच्छा हुआ मैंने ये एग्जाम्पल लिया है और नैतिक इज राइट नैतिक इज राइट मेंटी होगा फ्राइडे थ्री पी एम ऑफ टिश्यूज यहां पे नैतिक राइट है या कि ऋषि राइट है या फिर मान्या राइट है और ए भी आ गया गौतम भी राइट है मतलब आप बताइए मेरे पास चारों ऑप्शंस हो चुके हैं इस क्वेश्चन के ए बी सी या डी सब कंफ्यूज है इस ग्रुप में क्या आने वाला है सेलमेंडर बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती से मिस्टेक हो गया यानी कि वो रॉन्ग था ठीक है ऋषि आपका रॉन्ग चल रहा है कि राइट चल रहा है आई कैन सी मान्या इज करेक्ट इट बिलोंग्स टू एमसीबीआर मान्या इज राइट सी नहीं है रेप्टीलिया में सैलमेंडर नहीं आते फ्रॉग टॉर्ड सैलमेंडर न्यूएस्ट सिस्लियन ये सारे एम्फीबिया हैं वो दिखता जरूर ऐसा है कि लिजर्ड है पर वो है नहीं आई एम रियली सॉरी आई गेट दिंट इवन मैंने हिंट भी दिया था सोच लो आंसर रिवाइज कर लो कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ठीक है इसलिए अच्छा ठीक है अब तो आगे तो याद रहेगा इफ इट कम्स बाई चांस इन योर टेस्ट इन योर एग्जाम्स इन योर एन टी एस सी तो अब तो मिस्टेक नहीं होगी ठीक है, आउट द लाइफ भी रहता है और head से tail तक भी रहता है। ये, okay, him, it's okay, it's okay, होता है ये, होता एक क्वेश्चन और examples है एग्जांपल्स में तो मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं इवन आई डोंट नो ऑल द एग्जांपल्स आई कैन से दैट सो इट्स ओके ठीक है अब ये लास्ट वाले में आते हैं पूरी बॉडी में हेड से टेल तक उसको होना है इट शुड बी एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द लाइफ यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है स्ट्रेट अवे आंसर हैं करेक्ट आंसर हैं वेरी वेल डन अगर हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो वो लार्वल स्टेज होता टेल में होता वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम हेमी कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं स्टोमोकॉर्ड है तो हमारा आंसर बच जाता है सेफेलो कॉर्डेटा वेरी राइट वेरी करेक्ट सो हियर यस सो वी हैव कम ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द सेशन आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आज जो भी मैंने पढ़ाया यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन या ठीक है गौतम यस हैप्पी ऋषि आपका आंसर सही हो चुका है मुन्ना यस यू मस्ट हैव आयुष जो भी है मान्या कीर्ति जो भी है साथ में यहाँ पे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डाइवर्सिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है सी यू ऑन फ्राइडे एट थ्री पी एम फॉर मेंटी ऑन टिश्यूज टिश्यूज आपके क्लास का नाइन्थ का चैप्टर है ठीक है विफोर रेसलिंग स्टॉम सो सी यू अगेन ऑन थर्सडे यस कमरान इज नोवेर सीन कोई बात नहीं मृदुल जीवन इज देयर मेंटी इज में थ्री पी एम टिश्यूज लर्न करना शुरू कर दीजिए और मैं आप सबको मोनेरा मोनेरा मैं काट चुकी हूँ बैक्टीरिया के बारे में मैं बता चुकी हूँ किंगडम मोनेरा आई हैव ऑलरेडी डन विच इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया राइट सो एंड माइकोप्लाज्मा वो मैं करा चुकी हूं रेडी फॉर ऋषि तो रेडी है ठीक है ओके गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर ओके थैंक यू थैंक यू फॉर बींग विथ मी सर ओके मेरी रेगुलर क्लास एवरी आई टेक इट ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एट थ्री पी एम ऑन यूट्यूब सो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आप सब्सक्राइब करिए हमारे ये एन टी एस सी के यूट्यूब चैनल को सो दैट यू विल कम टू नो आपको टाइम टू टाइम ये चीज पता चलती रहेगी ठीक है सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल है नोटिफिकेशन ऑफ द क्लासेज बींग टेकन बाई करियर पॉइंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल थैंक यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सी यू अगेन ऑन फ्राइडे एट थ्री पी एम विदर आई एम टेकिंग योर लीव बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ Thank you and have a nice day.